महाराज ने मुझे समझाया था, हम सब एक ही जात के, इसलिए एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होना चाहिए। और तुम दोनों महाराज के पास चले जाना, तुम दोनों को बुलाया है। अरे खाना खाओ, इन लोगों का खानदानी नाटक है, मैं अच्छे से जानता हूँ। खाओ खाओ। सेठ जी मजा आ गया। अरे आप है तो किस चीज की कमी होगी, वैसे हर किसी के नसीब में इतना स्वादिष्ट खाना होता नहीं है। क्या हुआ प्रीति, नहीं छुड़ा पाया अपने भाई को है? हमें देख, हमारे पास समर्थ और पैसा दोनों है, तो हमने गलत को भी छुड़वा लिया। पर तेरा भाई तो सही बनता था ना, अभी भी अंदर है। अगर हैसियत है तो अपने भाई बाला को छुड़ा कर दिखा। अम्बेडकर गुरुजी, आप भी जाइए अपने शिष्य के पीछे पीछे, और अपनी जात और अपनी हैसियत अपने शिष्य के जात और हैसियत से जोड़ लीजिए, फिर शायद कुछ काम हो जाए। और खड़े खड़े मुंह क्या देखने जाइए। हैसियत है नहीं वकील करने की, और हमसे लड़ाई लड़ने चले हैं। भीम, भीम, बाला भैया, आपने उन्हें छोड़ दिया और मेरे भैया को, वो अभी भी अंदर है। देखो, वकील ने जमानत के कागज भिजवाए और जमानत के बदले पैसे भी जमा कराए गए। तुम भी जाओ और ले आओ, छोड़ देंगे तुम्हारे भाई को भी। ये तो हम भी जानते हैं, पैसे देने से वकील जमानत के पेपर बना देंगे। देखिए, अब जो भी है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ये गलत है, जिन्होंने चोरी की उन्हें आपने छोड़ दिया और मेरे भैया को, वो अभी भी अंदर है। कब से तुम दोनों का नाटक देख रहा हूँ, जाओ ऐसे, चलो। गुरुजी, गुरुजी। न्याय मांगने वाले व्यक्ति को अब ऐसे धक्का देकर गिराएंगे तो ये समाज कभी भी सही से नहीं चल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दया करके बाला भैया को छोड़ दीजिए, मैं बस ये देखने आया था कि आपने उन्हें कैसे छोड़ दिया। और यहाँ आके समझ आया कि न्याय कैसे पैसे और शक्ति से मिलता है। हो गया तेरा बोलना, यहाँ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, चलो निकलो यहाँ से। चलो भीमराव, कुछ और रास्ता ढूंढते हैं।
बदलेगा, आज नहीं तो कल ये पूरी व्यवस्था बदलेगी और सबको न्याय मिलेगा, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो, चाहे किसी के पास शक्ति हो या ना हो। और अब मेरे जीवन का यही लक्ष्य होगा कि ये व्यवस्था परिवर्तन हो और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। चलिए गुरुजी। दो हाथ का लड़का बड़ी बड़ी बातें बोलेगा और हम सुनते रहेंगे, इसकी बात मानते रहेंगे? फालतू का मुंह है, बोलते जाओ, हांकते जाओ। मैंने देखा है ये बच्चा साधारण नहीं है, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं, यही दो हाथ का लड़का अपने सगे भाई को कानून के हाथों सौंपता है और फिर यही लोगों से अलग बात करता है। लोग कानून को जाल समझते हैं, उससे दूर रहते हैं, फंस गए तो किसी तरह इससे निकलकर दूर भागना चाहते हैं। पर भीमराव ये कहता है कि वो इस व्यवस्था को सुधारेगा, सुधारे या ना सुधारे, लेकिन हौसला तो दिखा रहा है ना। तो सलाम करो उसे। कानून के तंत्र में रहकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम कितने अवरोध में हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये भीमराव अपनी बिरादरी के लिए लड़ना चाहता है? भीमराव अम्बेडकर, मैं चाहता हूं कि जो तुम कह रहे थे वो तुम जरूर करो और मैं तुम्हें सैल्यूट करूं। ईश्वर ऐसी किस्मत किसी औरत को ना दे, पति घर को घर नहीं बना पाया, उल्टा अनाथ आश्रम बना के रख दिया। खुद का बच्चा नहीं चाहिए लेकिन रास्ते से उठाकर किसी और के बच्चे को घर में लाकर रख दिया। देख क्या रहा है? आंखें निकाल लूंगी। खाना भी बनाऊं, बर्तन मांजू, सब करो इस घर में। निकाल लीजिए ना मेरी आंखें। मेरी माँ कहा करती थी कि मेरी आंखें बहुत प्यारी है, नहीं रहेंगी ये प्यारी आंखें तो आई की ज्यादा याद भी नहीं आएगी। आप मुझे खाना मत दीजिए, वैसे भी मैं खाना खा लूंगा जैसे आज तक खाता आया हूँ। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे वीक में खाना भी ना दे। बस अपने घर से मत निकालेगा, इस दुनिया में भटकना बहुत तकलीफ दे। बहुत सालों बाद कल रात मुझे बहुत चैन की नींद मिली है, मुझे यहाँ से मत निकालिए बाहर। हाँ बना दूंगी खाना, नहीं बनाया तो फिर से ये चिल्लाएंगे। जा, तेरे इस रोने से मैं पिघलने वाली नहीं हूं और वैसे भी अपनी आई होती है ना, कोई दूसरी औरत तेरी आई बन सकती है और ना ही कोई दूसरा मर्द तेरा बाप बन सकता है। जा अब यहां से। Thank you.
अरे तुम यहाँ घर के पिछवाड़े में क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। ये लो किताबें, जहां से तुमने पढ़ाई छोड़ी थी वही फिर से शुरू कर देना। लो। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहा हूं, शायद इसलिए कि मेरा कोई अपना है जिसे पढ़ने का बड़ा शौक है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, बस इसलिए। लो। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो सिर्फ दो लोगों का खाना बनाना, मैं और वो बच्चा, हम दोनों एक ही थाली में बांट के खा लेंगे। देखिए, आपको बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बना दूंगी सबका खाना। भीमराव और उसके सब भाई बहन राशन की मदद की तलाश में घर से बाहर निकलेंगे। आज तक उन्हें उनकी जाति का एहसास नहीं हुआ है, किंतु अब होगा। इस बात को हर जगह फैला दे कि उस घर का कोई भी अगर दिखाई दे तो सब उसे दूर भगाए और ये कहकर भगाए कि हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। जी महाराज, हम अभी जाते। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो। महाराज, आज रात को कुछ काम से मैं दूसरे कस्बे में जा रहा हूं, तो सोचा अगर आपका चमत्कारी भभूत मिल जाता तो मैं उसे बांटते हुए और चंदा इकट्ठे करते हुए वापस आता। इससे आपके मंदिर निर्माण के कार्य में कुछ राशि का सहयोग हो जाता। अवश्य मंगेश, सोच तो सही है तुम्हारी। रुको। जी महाराज। स्मरण रहे, जिसे भी ये देना उससे उसके हिसाब से इसकी कीमत अवश्य लेना। भक्ति और श्रद्धा शक्ति से निभाई जाती है। अमीरों से ज्यादा पैसा लेना और गरीबों से भले कम पैसा मिले लेकिन लेना जरूर। जो आज्ञा महाराज। एक बार किसी तरह से हमारा मंदिर बन जाए तो फिर रोज यहां लोग आएंगे चढ़ावा चढ़ाने, और अगर मंदिर अमीर तो हम अमीर, और फिर घूम घूम कर हम अपना मंदिर बनाएंगे, और फिर एक दिन हम ही बनेंगे भगवान, ईश्वर, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ महाप्रभु। क्या वो बाल भैया का?
वाला भी नहीं है। सब कुछ वो पैसे वाले और ताकत वालों का है। जिन्होंने चोरी की थी वो सब छूट गए, और हमारे वाला भैया जिन्होंने चोरी के पैसे पकड़वाए उन्हें नहीं छोड़ा उन लोगों ने। और हमारे पास पैसे ही तो नहीं है, और अब वाला भैया कभी नहीं छूटेंगे। भीम मत रो। घर में रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रंजन भाई साहब आए थे कुछ पैसों की मदद करने के लिए, लेकिन तुलसा और मंजिला ने उन्हें लौटा दिया। मुझे लगता है कि ऐसी मुसीबत के समय थोड़ी सी मदद ले लेनी चाहिए थी, और वो कोई गैर तो नहीं है ना? कोई बात नहीं बुआ, अगर बहनों का आशीर्वाद भाइयों पर है तो हम मिलकर ये दुख के सारे दिन काट लेंगे और लाएंगे रात के राशन के लिए कुछ। चल भीम, काम ढूंढने चलते। ए, हट, हट, ए, हट, चल दूर हट। ए चलो यहाँ से। चलो हटो, दूर हटो, चलो। चलो यहाँ से, चलो भागो, चल भाग। ए जाओ यहाँ से तुम दोनों, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। अजीब पागल लोग हैं, जिनसे हम मदद मांग भी नहीं रहे हैं वो भी हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? ताकि हम एहसास दिला सके कि हम असहाय हैं। तो ये भी साथ साथ एहसास करो कि तुम असहाय और छोटी जात के हो। तुम जैसों की मदद नहीं, भीख देते हैं हम। हाँ, अगर समान होने का दम भरना छोड़ दो तो जो तुम्हें दुत्कार रहे हैं ना, हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे। नहीं करेंगे मदद, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मदद, नहीं करेंगे मदद। और हम मदद मांग भी नहीं रहे हैं किसी से। तुम मदद मांगो या ना मांगो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और हम सब इसलिए चिल्ला रहे हैं ताकि तुम्हारा भ्रम टूटे और तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी औकात क्या है। भ्रम तो आप लोगों ने भी पाल रखा है, वरना मदद तो हमारे ही जात के कई लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम काम मांग रहे हैं, मदद नहीं। हाँ तो काम भी नहीं देंगे। सेठ जी, आप हमें काम देना बंद करा सकते हैं, लेकिन हमारे जीने और संघर्ष करने की लालसा नहीं छीन सकते हैं। और इतना विश्वास है कि आप क्या ऐसे खड़े हो जाने से, ऐसे बोलने से और हमें भूखे रहने पर विवश कर देने से हमारी जान नहीं चली जाएगी। आप सब देखिए, मुझे भी और मेरे परिवार को भी, और विश्वास दिलाता हूँ कि हम में से कोई नहीं मरेगा, किसी भी हाल में नहीं मरेगा। आनंद भैया,